यही है छोटे सरकार की लाश। नहीं, पर यहीं पे हमने छोटे सरकार की लाश अपने इन्हीं आंखों से देखी रही। देखे रही तो लाश फिर कहाँ गई? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता सरकार, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुमने पी रखी है? नशा तो हम रोज ही करते हैं सरकार, पर हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खाई सकत। धोखा नहीं खाए और भालू की लाश में छोटे सरकार नजर आए तुम्हें? लेकिन हुआ क्या था दानी माँ? हम बीच जंगल में लकड़ी काटे के जात रहे, ढाय ढाय दो गोली की आवाज सुनी। हमारे ऊपर बहुत सारे पंछी आए के उड़न लगे। हम समझे कोई पंछी का शिकार करत रहे। इस ओर आए तो सुने किसी के सर सर भागन की आवाज, और इस पेड़ के पास आए तो देखे छोटे सरकार की लाश। तुम्हें याद है कि जगह यही थी? बेशक हमें याद है। बेशक बोलता है साला शराबी, नशे में कुछ भी देखता फिरता है। निर्मला देवी, आपका बेटा घर कितने बजे निकला आपको याद है? मिश्रा जी, मैं तो चाय के बाग देखने गई हुई थी, वापस घर लौटी तो वो घर पर नहीं था। उसने कुछ कहा था? वो कहाँ जाएगा? कहकर जाने की आदत कहाँ है उसे, अपनी मर्जी से आता अपनी मर्जी से जाता है। फिर लकी जो कह रहा है? मुझे विश्वास नहीं। बिल्कुल, और विश्वास हो कैसे? याद नहीं एक बार क्या चिल्लाया था, शेर शेर, और निकला क्या था, बिल्ली। अरे मती करो मती करो हमारा विश्वास, अगर लाश को ढूंढकर नहीं निकाला तो हमारा नाम भी लक्की नहीं। अबे चल एक बोतल और चढ़ा ले, तुझे अपनी लाश खुद नजर आने लगेगी। अरे कोई बात नहीं, पुलिस को हमो भेजे रहे खबर, पुलिस को आवाज दो, मालूम पड़ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। चलो चले, ये पागल शराबी की बातें सुनेंगे तो हम सब पागल हो जाएंगे। आइए निर्मला देवी।
लाश देखने के कितनी देर के बाद तुम उन्हें लेके आए? समय कुछ आधा पौना घंटा रहा होगा साहब। दारू पी? दारू पी के झूठ बोला तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझे? हम अपने माई की कसम खाई के कहते हैं साहेब, सारा नशा पानी हुई गवा। सच कहते हैं साहेब, हमऊ इन्हीं आंखन से देखा है। तो फिर ये किसने मारा? ये हमको नहीं मालूम साहेब। कैसा मर्डर केस है? कहा साहेब, खूनी का पकड़ेगा मुश्किल है का? अरे खून हुआ हो तो खूनी पकड़ा जा सकता है। मजाक मत करा साहेब, चाहो तो हम खूनी को पकड़ के ला के दे। तो फिर तुम्हें इनाम भी जरूर मिलेगा। इनाम कहाँ मिली साहेब? जो तुम चाहो। तो साहेब हमका हमका हवलदार बना दो साहेब। अरे हवलदार क्यों, तुम्हें तो जमादार बना देंगे। वागले? यस सर। कुछ सुराग मिला? नहीं सर, मगर खून के निशानात इधर उधर फैले हुए। तो इसी जानवर के होंगे। फिर भी तुम खून का सैंपल ले लो और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। मैं निर्मला देवी से तहकीकात करके आता हूँ। आपने भी शराबी की बात कर लिया? मतलब? उस शराबी का कोई भरोसा नहीं, जब भी नशे में होता है ऐसी ही बातें करता है। एक दिन बिल्ली को शेर बनाकर सारे गांव को डरा दिया था। तो इसका मतलब यह है कि खून की बात ही झूठ है? बेशक। आपका बेटा कहाँ है? कल तक तो यही था, आज सुबह शहर गया। आपका बेटा है लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो कहाँ आता जाता है? आता है जब पैसे की जरूरत होती है, वो मिल जाए तो चला जाता है। कहाँ जाता है, किस लिए जाता है, वो ना मैं जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ। अच्छा, आज कितने बजे घर छोड़ा था उसने? मैं सुबह जेट गई थी, वापस लौटी तो वो घर पर नहीं था। क्या उम्र होगी उसकी? 24। आपका 24 का बेटा है? वो उनकी पहली बीवी से है, उन्होंने दो शादियां की थी, मैं दूसरी हूं। और आपके पति? उन्हें गुजरे हुए 21 साल हो गए। आई एम सॉरी, आप उसके शहर का पता दे सकती हैं? जरूर, लेकिन आपको फायदा कुछ ना होगा। मतलब? वो उस पते पे थोड़े रहता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, उसका एक फोटो भी दे दीजिए। पता इसके पीछे लिखा है। यहां जब रहता है तो ज्यादा वक्त किसके साथ? बंदूक के साथ। बंदूक का लाइसेंस है? बंदूक दिखा सकती हैं? बंदूक घर में नहीं है इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी, शायद शाम साथ में ले गया होगा। ओ, कम से कम कुछ गोलियां तो होंगी। वेल बोर गन। जी हाँ। अच्छा निर्मला जी, मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। जरूर। नमस्ते। नमस्ते। बगान का काम पूरा हुआ? थोड़ा बाकी है बड़ी माँ, शाम तक पूरा हो जाएगा। सारे कूली आए थे? जी हाँ। ठहरो, मैं चाय लाती हूँ। बिटिया कहाँ है? कमरे में सो रही है, लगता है बुखार है। कुछ खाया पिया कि नहीं? मेरी कहाँ सुनती है, थोड़ा तुम ही समझाओ। क्या बात है, बुखार लगता है? देखो तो। अरे कुछ भी तो नहीं है, चलो आके चाय पी लो। बच्चों की नहीं करते? नहीं चाहिए काका, मन नहीं करता। देखो बेटी, अगर तुम चाय नहीं लोगी तो मैं भी कुछ लिए बगैर चला जाऊंगा। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में तुम्हारी बेटी रही होगी। पिछले जन्म? इस जन्म में भी मेरी ही तो बेटी है। क्यों ना,
कुछ पता चला शाम के बारे में? कल बताया ना मैंने, पैसे लेकर कहीं झक मारने गया। कल तो पूरा शहर छान मारा हमने, मालूम पड़ा कि वो गांव से लौटा ही नहीं। उसके दोस्तों से पूछना था, उन्होंने ही बताया। ओ, तो हो सकता वो अकेला ही गया हो। बेशक, हो सकता है। लेकिन एक बात का पता चला है, जो गोली भालू को लगी थी वो आपकी बंदूक की थी। लेकिन आपको पता कैसे चला? गोलियां जो आपके घर से मिली थी। मिली नहीं, मैंने दी थी। हाँ हाँ, वही जो आपने दी थी वो भालू को लगी गोली से मिलती है। और ये भी पता चला है कि जो बंदूक आपके पास थी वैसी बंदूक यहाँ किसी के पास नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जाने से पहले भालू उसी ने मारा हो? हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ब्लड एनालिसिस रिपोर्ट से मालूम पड़ा है कि उसमें आदमी का खून शामिल है। वो तो भालू था, पहले उसी ने मेरे बेटे को घायल किया होगा। वो भी हो सकता है, लेकिन हमने मुरम्मत करने वाली हर दुकान छान मारी, वो बंदूक नहीं थी, नहीं मिली। और इंस्पेक्टर, घुमा फिरा के बात ना की, जो भी है साफ साफ कहिए। आप ही नाराज हो तो कैसे, आपकी तसल्ली के लिए तो ये इंक्वायरी है। मेरे बारे में फिक्र ना कीजिए, आपको इंक्वायरी करनी तो कर लीजिए। मतलब? मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे का खून नहीं हुआ। अच्छा, तो हमारी तसल्ली के लिए जवाब दीजिए, आपके बेटे का कोई दुश्मन है इस गांव में? इस गांव में तो नहीं, कहीं बाहर हो वो मुझे मालूम नहीं। किस बिना पे आप कह सकते हैं कि आपके बेटे का खून नहीं हुआ? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। क्या? यही उसका घर से गुम हो जाना। एक बार तो 20 दिन के लिए गायब हो गया था, एक बार 1.5 महीने के लिए। कहाँ गया था? गोवा घूमने फिरने। अच्छा, उसके कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? आवारा गर्द, अय्याश, ऐसे ही दूसरे से सुना है। इसलिए आप दोनों में खिंचाव भी रहता होगा? कभी कभी। और खिंचाव झगड़ा बन गया होगा? खून भी किया होगा यही ना? ओ नो 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 नो, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या था? यही के झगड़ा करके घर छोड़ा होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं घर के नौकरों से मिल सकता हूँ? तुम में से छोटे मालिक के ज्यादा करीब कौन था? अजी साहब, वो एक जगह टिक कर रहते तो कोई करीब होता ना। तुम में से किसी को शक है कि उनका खून हुआ? क्या साहब, आप भी उस शराबी की बातों में आ गए। साहब, छोटे सरकार तो ऐसे गुम हो जाया करते हैं। बाद में उसने नौकरों से कुछ पूछताछ भी की और फिर चला गया। मर गए 10 सालों को, बस तुम्हारे और मेरे बीच रुकावट न बने, तुम्हारी और मेरी पिकनिक चलती रहेगी। मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? इन लोगों के चक्कर में अगर हमारा संबंध खुल गया तो? कुछ नहीं होगा। हसीन वादियों, हसीन हसीन वादियों, उनसे कहो आ गया है वो जिसका तुमको था इंतजार। हसीन हसीन वादियों, चला आया है यहाँ हाय मौसम, देख मुझे लेके चला आया है यहाँ, लेकिन सपनों की रानी जाने छुपी है कहाँ। हाय मौसम,
देखो मुझे लेके चला आया है यहाँ जाने वो बेखबर आएगी कब नजर पहली बार हसी हसी वादियों उनसे ये कहो आ गया है वो जिसका तुमको था इंतजार हसी हसी वादियों सब ये अन्नपूर्णा स्टेट कहाँ है सीधे चले जाओ थैंक यू नमस्ते नमस्ते कहिए ये शाम का घर है जी हाँ आइए थैंक यू बैठिए शुक्रिया शाम घर में जी नहीं आपकी तारीफ जी मुझे प्रकाश कहते हैं मैं शाम का गहरा दोस्त हूँ कहाँ के रहने वाले अब तो मैं लखनऊ में हूँ कहानियां लिखता हूँ शाम ने चिट्ठी लिखकर यहाँ आने की दावत दी थी लिखा था एक बार हमारी जगह आओ यहाँ का समा तुम्हें शहर बना देगा मैं भी फ्री था चला आया शाम को मालूम था कि आप आने वाले खत तो लिखा था मैंने कितने दिन हुए यही कोई 5-6 दिन कब लौटेगा वो पता नहीं लेकिन आप इतनी दूर से आए हैं चाहे तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए लेकिन आइए मेरे यहाँ रहने से आपको दिक्कत तो नहीं है दिक्कत कैसी हम तो मेहमानों का इंतजार करते रहते हैं आइए आइए ना अगर शाम यहाँ होता तो आपको सारा इलाका दिखा देता जी मैं खुद ही देख लूंगा अगर आप चाहें तो गंगू को साथ में ले जा सकते हैं वो आपको सारा इलाका दिखा देगा कितनी शांति है इस जगह में है ना? हेलो लगता है काफी दिनों से यहाँ कुछ हुआ नहीं है आपको मालूम नहीं 5 दिन पहले क्या हुआ क्या हुआ वही छोटे खून की खबर छोटे सरकार यानी हुआ क्या बताता हूँ सुनो हेलो ये लके कहाँ रहता है अपने गांव की चौपाल के पास जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे अच्छा गंगू तू जा बाद में मिलता हूँ जी सर लकी तुम ही हो हाँ वो जगह बता सकते हो जहाँ छोटे सरकार की लाश पड़ी थी मिल गवा अरे ऊपर वाले तो को हमार खातिर यहाँ भेजे हैं हम सब बताई थे जरूर बताई थे तू हमार संग चला आवा 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 हो आवा 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 हाँ साहब हम देखे रहन साहब लेकिन ये ससुरेन पुलिस वाले हैं ना हमारी बात का विश्वास ही नहीं करते और का हुआ समझे साहेब कि ये कौन है वो रूपा है रूपा और वो है नौकर काका काका काहे का साहेब काटा है काटा बबूल का आहा काका कैसन हो अरे छोटी माँ कैसी है हम जंगल में घुमा का जाते हैं चला भाई चला वो कौन है काका मालूम नहीं बेटी ब्यूटीफुल गर्ल हाँ क्या वही जो आप कहते रहे तुम्हारा सर शादी हो गई
नहीं, शादी की बात तुम सोचे नहीं, जब हमार माँ जिंदा थी। अरे बुद्धू, तेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ओ, नहीं नहीं, वो भी हमार तरह बैठी है कुमारी। और माँ बाप? माँ उकर बारे में पूछे थे या हमार बारे में? उके उके उकर माँ जिंदा है, डेढ़ बरस हो गया, बाप परलोक पधारे। यही हम देखे रहा छोटे सरकार की लाश खून में डूबी हुई। भालू की लाश? वो भी यही देखे रहा, चार दिन से ढूंढत है पर सुसरा मिलता ही नहीं। कौन? वही जो खून की रहा, पर हम भी नहीं छोड़ेंगे सुसरे को, आकाश पाताल एक कर दी, फिर सरकार हमको पुलिस का जमादार बना देगी। कहाँ होते गोपाल काका? जात होगा बेटा का मिलन का? बड़ी माँ से कह देना हमने लकड़ी काटने का काम छोड़ दिया है। कारण क्या है? कि हम खूनी को ढूंढे थे। और हाथ तेरे की सुसरा भी नहीं सुधरेगा, हमारी बात ही नहीं सुनते, चला जाते चला जाते चला जाते। कौन है इसके साथ? पोते को अपने संग यहाँ रखा है, बिटवा बाजू के गांव में रहते। कहो साहब, का तू भी यहाँ खूनी का पकड़े का आवा है का? अरे नहीं नहीं, सरकार ने तुझे लगाया, मेरा क्या काम। ऐसे शाम मेरा दोस्त है, उसे को मिलने आया था, चल चले। नहीं साहब नहीं, अब तो हम यही धरा, शायद खूनी लौट के आ जाए। लगे रहो। जय गणतिया हो भाई, कान के सुना जावा खांडमा। जैसे खूनी आवेगा हम कचाक से पकड़ लेंगे, नहीं छोड़ेंगे ससुरे को। हाँ? लेकिन उकर पास दम्बूक हुई तब हम क्या करेंगे? चिल्लाता क्यों है? समझा था खूनी आ गया। अरे नहीं काका नहीं, हम तो तोका डराए का चाही। वो कौन है? बोलत है शाम का दोस्त बा, वो का मिलन के वास्ते आवा है, पर वो का धरा है बाकी। वो पुलिस का आदमी तो नहीं? अरे नहीं काका नहीं, हम ये भी पूछे रहा, बोलत है नहीं, लाश का देखे के वास्ते आवा है, हम देवा है, न लाश मिली न दोस्त मिला। ये बातें सुन सुनकर मैं पागल हो गई हूं प्रकाश जी, अब आप भूल जाइए उस बात को, ये सारी गड़बड़ उस शराबी लकी की है। आपका क्या ख्याल है? भटकेगा जब तक पैसे हैं, जब पैसे खत्म होंगे वापस आ जाएगा। नौ बज चुके हैं, आप जाइए और आराम कीजिए।
और कितने दिन ठहरेगा? मुझे क्या मालूम। तो काम करो, उसे गेस्ट हाउस भेज दो। कैसे? उसे कहो उसके यहाँ रहने से लोग उल्टा सीधा कहेंगे। अगर मेरे कहने से भी नहीं गया तो फिर देखा जाएगा। आप कितने दिन रुकना चाहते हैं? ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैं एक लेखक हूँ। अगर कोई कहानी सूझी तो हो सकता है बहुत दिन ठहर जाऊं, और अगर तंग आ गया तो हो सकता है कल ही निकल जाऊं। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। मुझे गलत ना समझे, आपके यहाँ रहने से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन 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 गांव वालों को एतराज हो सकता है। मतलब? एक मर्द, एक औरत, वो भी विधवा, एक ही घर में, वो भी रात के वक्त। ये बात भी ठीक है, लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। वो समझते हैं जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ है, और जहां सब कुछ है वहां कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आप इसी गांव में रहना चाहते हैं तो आपका दूसरा इंतजाम भी हो सकता है। जैसे? यहाँ हमारा एक गेस्ट हाउस है, वहाँ खाने का इंतजाम भी है, आप जितने दिन चाहे रह सकते हैं। गुड आइडिया। गंगू, साहब का सामान लेकर गेस्ट हाउस में पहुँचा देना, और दीनू से कहना ये हमारे मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना। ए, हट, मछली पकड़ने जा रहा है। हाँ, खैर मैं भी चलती हूँ। माँ, मैं झील की तरफ जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हो? गोपाल काका के बंदर के साथ। जल्दी वापस आना। अच्छा। मेरी लकड़ी दे दो। खोकू, ये घर हमेशा बंद क्यों रहता है? जब भी देखा ऐसे ही देखा। अंदर चल के देखे ना बाबा। ना बाबा से पूछ लेता हूँ। हाँ पूछ लेना। वाओ, वंडरफुल सीन। फोटो खींचा जाके पूछ। कैमरा? हाँ। मेरे? चल सीधा खड़ा हो जा। रेडी? स्माइल स्माइल। दीदी बोली बंदर किसकी परमिशन लेके फोटो खींचा जाके पूछ। क्या? बंदर का? हाँ। मुझे? हाँ। बंदरिया की फोटो लेने के लिए बंदर को परमिशन लेने की क्या जरूरत है? जाके पूछ। जा। पूछ के आने को कहा और वहाँ पोज बना के खड़ा है। पूछ के आए दीदी। क्या कहा? बंदरिया। बंदरिया? हाँ, बंदरिया की फोटो लेने के लिए बंदर को परमिशन की क्या जरूरत है, जाके पूछ, ऐसा बोला। तूने क्या कहा? वही, बंदर किसकी परमिशन से फोटो खींचा जाके पूछ। अरे बंदर तुम हो वो नहीं, जाके बोल। अरे बंदर तुम हो वो नहीं, ऐसा बोलने के लिए कहा। बंदरिया वो है मैं नहीं, जाके बोल। क्या कहा? बंदर 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 बंदर। तूने क्या कहा? वही, बंदर तुम हो वो नहीं। तेरा सर, तू सचमुच बंदर है। हे मिस्टर, आपने मुझे पुकारा? हाँ आप ही को। देखिए मैंने बंदर इसे कहा था, आपको नहीं। अच्छा, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदर की दुम कहाँ है। बंदर हमारा है, उसकी दुम कहीं भी हो आपसे मतलब। ये भी ठीक कहा आपने। मैंने ये पूछा था कि किसकी परमिशन से आपने मेरा फोटो खींचा। देखिए मैं तो कुदरत के दिलकश नजारों की तस्वीर बता रहा था, लेकिन आप बीच में आ गई। टालने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं क्या करूं?
फिर निकाल के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, अब तो मुस्कुरा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे क्या कम है राजा, मेरा फोटो दिखता ही नहीं है। तेरी फोटो इसमें है, वो उनकी है। चल रे। मेरा फोटो बंदर जैसा आया क्या? तेरी नहीं, उनकी। ही ही। होगो। तुझे इतनी सख्त नहीं बनना चाहिए था। मेरा फोटो क्यों खींचा उसने? तुझसे बात करना चाहा होगा, तू सीधे आके बात कर सकता था बिना किसी बहाने। तू कर ली थी क्या? तो क्या गलती की मैंने? थोड़ी सी। क्या वो तुझे मगरूर समझकर बात ना करे तो, तेरी तरफ ना देखे तो भाड़ में जाए। सच्ची? सच्ची। तेरी कसम। सता मत। कुछ नहीं, चुपचाप चल। वहां छुपा बैठा है। कहां? वहां झाड़ के पीछे। अच्छा। हाँ। अरे बुद्धू वहां तो मैं बैठा था। आप? हाँ। मैं समझा यहाँ कोई बैठा हुआ है, आके देखता हूँ तू बैठा है। ओ बड़ा तमाशा हो गया बाबूजी। ओ काका, का बिटवा के कहा जाते है का? क्या हो रहा है यहाँ? अरे काका ऐसी तमाशा हुआ, ऐसी तमाशा हुआ, बाबू हमको खूनी समझत रहा और हम बाबू को खूनी समझत रहा। काका हम जब भी इधर आते हैं तुम भी इधर आते हो, क्यों? आप कौन है? मैं शाम का दोस्त हूँ, वैसे कहानियां लिखता हूँ। शाम से मिलने आया था लेकिन वो गायब है। लकी कहता है कि उसका खून हो गया, सोच रहा हूं उस पर एक कहानी लिख दूं। तो कहानी शाम पर लिखो, मुझ पर नहीं। देखा बाबू, ये ससुरा कभी नहीं सुधरेगा, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। लेकिन ये क्या रोज अपने बेटे के गांव जाता है? नहीं बाबू, हफ्ता में सिर्फ दो तीन बार जाते। अच्छा लेकिन कुछ पता चले तो बताना, ठीक है? अरे काहे नहीं बताएंगे बाबू, जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। जगनतिया हो भाई, जगनतिया हो भाई। क्यों काका, तू यहाँ का करत है? क्यों रे, वो तो पुलिस का आदमी जान पड़ता है, नहीं तो खून की जगह पे दो दो बार क्यों आता? सक हमें भी आवत रहा काका, तुहार बारे में भी पूछत रहा। क्या पूछा? यही कि तू का करत है, कितने बच्चे है, वगैरह वगैरह। अरे सुन, उसको ये नहीं बोलना कि मैंने उसके बारे में तेरे से पूछा। अरे काका हमार का सर फिर गया,
कभी नहीं कभी नहीं, हम बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। लगता है गांव में बहुत गड़बड़ करने वाला है, इसलिए उसे गांव से जल्द निकाल देना चाहिए, समझे कि नहीं? अरे बैठते हैं, अरे बैठना। साहब आपका नोट तू रख ले। नहीं नहीं नहीं, अरे तू रख ले। अरे कुछ नहीं होता तू रख ले। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तू नहीं तो सही, कुछ नहीं होता। पी ले। नहीं नहीं साहब मैं पीता। पी ले ना। अरे यार पी के तो, पी के तो ले, पी ले। वो पहले ऊपर, वेरी गुड। कंगू, तुम्हारे छोटे मालिक का स्वभाव कैसा है? क्या साहब, आप तो उनका दोस्त है, आपको नहीं मालूम? नहीं नहीं, शहर की बात छोड़ो, वहां तो रोज एक नई लड़की के साथ होटल में पड़ा रहा। यहाँ भी वही हाल है। अच्छा? हाँ। तुमने भी देखा? हाँ साहब, एक दिन दानी माँ ने उन्हें बुला लाने को भेजा। फिर घर जाने दो। अरे घर में क्या रखा है, लो थोड़ी सी पी लो। नहीं शाम, घर वालों को अगर मालूम हो गया तो मेरी जान निकाल देंगे। क्यों डरती हो डार्लिंग, मैं जो हूँ तुम्हारी उम्र भर का सहारा, लो पी लो। नहीं शाम, मुझे डर लग रहा है। अरे डर निकालने के लिए ही तो पिला रहा हूँ, लो पी लो। नहीं, पी लो डार्लिंग। नहीं, नहीं, नहीं। दरमियाँ
संसार की मजबूरियां क्यों हैं? तुम्हारा हम सफर हूं मैं, तुम्हें क्या डर जमाने का? उठाओ जाम मस्ती में, न दिल तोड़ो दीवाने का। बहुत दिनों तक यही चलता रहा, फिर जब गौरी मां बनने वाली थी तो उसने साथ छोड़ दिया। बेचारी गौरी ने उसके बाद कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे दी। गौरी के भाई देवीलाल ने श्याम पर हमला किया, लेकिन श्याम तो बच गया और पुलिस ले आया। देवीलाल श्याम के लिए एक चिट्ठी छोड़ के गायब हो गया, आज तक उसका पता नहीं। चिट्ठी में क्या था? श्याम, मैं इसका बदला एक ना एक दिन जरूर लूंगा। फिर क्या, उस दिन से छोटे सरकार बंदूक लिए घूमते हैं। साहब मैं चलता हूं, बहुत देर हो गई, मां जी डांटेंगी। अच्छा जी हाँ, जय राम जी की। आई आई आ, अरे मर गए। ओ हाँ हाँ, खाओ 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 ना, तुम मर जा बाबा। वो जो गले में पुराना मकान है ना, वो क्यों हमेशा बंद रहता है? आराम खोर, क्यों गया था उधर? मैं नहीं, रूपा दीदी पूछ रही थी। हाँ काका, मैंने ही पूछने को कहा था, क्या हुआ? देखो बिटिया, जब तक मैं खुद तुम्हें उस घर के बारे में नहीं बताता, तुम किसी से मत पूछना। क्यों काका? फिर कभी बताऊंगा। रूपा, वचन दे सकती हो? मुझ पे विश्वास नहीं है माँ, मुझे वचन चाहिए। वचन देती हूँ माँ, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी की सौगंध। अच्छा माँ, बाबूजी की सौगंध। उस घर के बारे में कभी किसी से कुछ मत पूछना। क्यों माँ? जिसने भी पूछा उसका कभी भला नहीं हुआ। किसने भेजा तुम दोनों को? उठ, किसने भेजा है? मिश्रा जी ने। मैंने उस दिन आपको एक खास बात नहीं बताई। क्या? श्याम ने और मैंने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, उसमें हम लोगों को कुछ 10 लाख रुपए का फायदा होने वाला है, और 25-30 हजार रुपए खर्च करने से वो पैसा हम लोगों को जल्दी मिल सकता है। और वो पैसा लेने के लिए श्याम यहाँ आया था, लेकिन वापस नहीं लौटा, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस बात को मुझे रास में रखना था, लेकिन मजबूरी बताना पड़ा। क्या बिजनेस था? माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं बता सकता। अगर वो पैसा मैं दे दूं तो शाम का हिस्सा मुझे मिल सकता है? जी नहीं, शाम का होना जरूरी है। कहां ढूंढूं मैं उसे? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या है? तो घर किसका है? ना बाबा ना भाई के बारे में मत पूछो, आग वाली चुड़ैल खा जाएगी, बुखार आ जाएगा, मर जाएगा। हाँ। अरे सुनो तो सही। ना बाबा ना भाई के बारे में मत पूछो। ओ भाई साहब, भाई के बारे में मत पूछना। हाँ। इस कुत्ते को गंगू ही सुलझा सकता है।
रखोगे? क्या बात है? फोटो देता हूँ। दीदी कहाँ है? घर में। ये ले, ये तेरी फोटो। ये ले तेरी दीदी की फोटो, दे देना। दीदी का तो फेंक दिया था ना? वो दूसरी थी। सुन, ये जाकर तेरी दीदी को दिखाना और जो कुछ भी बोले आके मुझे बताना। मैं गेस्ट हाउस में रहता हूँ। हाय राम, और रील फेंकने का कैसे नाटक किया? कुछ भी हो, तस्वीर तो अच्छी उतारी है। क्यों रे, कुछ कहा? बोला, जो दीदी कहती है वो मुझे आके बोल। कहना दीदी बहुत नाराज है, मिली तो इतनी गालियां देगी, इतनी गालियां देगी। कितनी? इतनी। अच्छा ठीक है, दीदी से कहना शाम को ठीक 4 बजे झील के पास गालियां लेने के लिए आऊंगा। ठीक है, भाग। एक हुकू इधर आ। देख, इसमें से एक पर्ची निकाल। सफेद रंग लिखाओ तो सफेद साड़ी और पीला रंग लिखाओ तो पीली साड़ी। निकाल। कुछ भी नहीं है, बिना साड़ी के जाना। हट बंदर। दूसरी निकाल। लाल और काला। माँ, माँ क्या है बेटे? मैं खोखो के साथ झील पे जा रही हूँ। अच्छा, जल्दी आना। अरे, आज हमारी बिटिया ने नई साड़ी किस खुशी में पहन रखी है? अपने जन्मदिन की खुशी में। चल। अरे पगली, तेरा जन्मदिन तो मैं भी नहीं जानती, तू क्या जानेगी? माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। आपका कौन इंतजार कर रहा है? हम तो मछली पकड़ने आए हैं। इतनी बड़ी मछली काफी नहीं थी क्या? कौन सी? हे, हम मछली पकड़ने आए हैं, मगरमच्छ नहीं। बैठ सकता हूँ? मना किसने किया है? ए खोगू, वो रुक जा, मैं तेरे पास आता हूँ। जितनी ढेर सी गालियां देनी है दे दीजिए, बांध कर ले जाऊंगा। रुमाल काफी नहीं? अरे पहले मालूम होता तो बोरी ले आता। कल मुझ पर बहुत गुस्सा आता ना? ऐसी शरारत पे गुस्सा किसे नहीं आएगा। वो तो एक बहाना था रूपा। मेरा नाम कैसे पता चला? जादू से। अच्छा, जादूगर का नाम? प्रकाश। काम बिजनेस, शौक कहानियां लिखना, अन्नपूर्णा एस्टेट, शाम का गहरा दोस्त हूं। यहाँ आने का मतलब? आपसे मिलना। वैसे मैं और शाम तूने एक बिजनेस कर रहे हैं, साथ लेके जाने को आया हूँ, लेकिन सलाह गायब है। मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो? मुझे कुछ काम याद आ गया है। जल्दी खोको, कल मछली पकड़ने आओगी ना? हो सकता है, सुबह घूमने आ जाऊं। कैमरा नहीं ले? कल तू अपनी दीदी को ले आना, मैं कैमरा ले आऊंगा। सदा ये वादा।
करता रहा। मैं तेरा रहूंगा सदा ये वादा रहा। शाम जब गांव में रहता था करता क्या था? हाँ, वही बंदूक लेके घूमना और शिकार करना। गंगू, वो जो लड़की थी ना गौरी, हाँ? उसके खुदकुशी के बारे में दानिमा ने शाम को कुछ नहीं कहा? अजी माँ जी ने उनको इतना डांटा इतना डांटा, मगर छोटे सरकार उनकी सुनते कहाँ है? माँ की बात नहीं सुनते। ओ बाबा, उन दोनों की आपस में बनती कहाँ है, हर वक्त झगड़ा झगड़ा। हाँ साहब, जिस दिन छोटे सरकार के खून की खबर फैली थी ना, उससे एक दिन पहले माँ जी और बेटे में बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा वो समझ गया। ये ले। अरे नहीं 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 साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? लेना साहब, ये बड़ी बुरी आदत है। वो झगड़ा हुआ था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? छोटे सरकार दानी माँ से बोल रहे थे, माँ मुझे 20,000 रुपए चाहिए। 20,000 पेड़ों में लगते हैं क्या? तुम्हारी अय्याशियों के लिए मैं और रुपया नहीं दे सकती। तुम भी लोगों की बातों में आ जाती हो माँ। कॉलेज की लड़कियों को लेकर होटलों में जाते हो। मैं कहाँ जाता हूँ, वो मुझे ले जाते। एक की जान तो ले ली, और कितनी लड़कियों की जान लेनी है? नेवर,
जान खोने वाली लड़कियों का साथ ही छोड़ दिया मैंने। रुपया नहीं दे सकती शाम। लेने का तरीका मालूम है? क्या तरीका है? मुझे मार कर लोगे ना, वो भी हो जाए। तुम्हें सारी दौलत लुटा कर भिखारी बनने से मर जाना ही अच्छा है। माँ को मार के नरक में जाऊं? और एक आसान रास्ता मालूम है? क्या? तुम्हारे और मिश्रा जी के तल्लुकात। शाम, बकुमाती जी में आए? जी में नहीं आया छोटी माँ, आंखों के सामने आया था। परसों रात बस बिगड़ गई, आने में कुछ 10 बज गए। जैसे ही घर के पास आया तो बैटरी की रोशनी नजर आई। छुप के देखा तो कौन है? मिश्रा जी। फिर रोशनी घर के अंदर बुझ गई। कबाब में हड्डी क्यों बनू ये सोच के गेस्ट हाउस में जाके सो गया। अब तो रुपया दोगी ना? ना दूं तो? ना दो तो? उसके अगले दिन ही छोटे सरकार के खून की खबर फैली। बाद में दानी माँ ने क्या किया? दानी माँ ने फौरन मिश्रा जी के नाम एक चिट्ठी भेजी। किसके हाथ? मेरे। तूने चिट्ठी पढ़ी? नहीं, बंद थी। अच्छा गंगू, ये मिश्रा कैसा आदमी है? महामक्कार। दानी माँ को फंसा के उनकी पूरी जायदाद हड़पना चाहता है। दानी माँ को यह सब मालूम नहीं? अरे साहब, दानी माँ को तो मंत्र मार के बांध के रखा है। मैं चलूं? हेलो, और कुछ याद आए तो मुझे बताना। जरूर साहब। याद आने के बाद मैं चलूं। आई तेरा बाबा नहीं है? नहीं। कहाँ गए? खेत की तरफ। कितनी देर हुई? अभी तो गए। कब आएंगे? एक घंटे बाद। खुगु, ये ले, मेरे लिए एक पैकेट सेना, और जो बच जाएगा अपने लिए चॉकलेट ले लेना। घर में कोई नहीं है। अरे मैं हूं ना, ये ले। चल। अरे सुन सुन, आते जाते मोटर चलाना नहीं भूलना। जा। शाबाश खोखो, बाबा को बोलना नहीं कि मैं आया था, समझ गया ना?
क्या सोच रहे हो? पहले तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था और तुम उससे प्यार भी करती थी, शादी भी हुई, बच्चा भी हुआ है ना? हाँ हुआ। प्रकाश क्यों तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? मजाक किया तो रोने लग गई। मजाक होगा तुम्हारे लिए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? इसलिए कि तुमने धोखा दिया। कैसा धोखा? यही कि तुम मुझे। मैं तुम्हें? एक पुरानी हवेली है जिसे भूत महल कहते हैं, ये चुड़ैल मां रहती है। किसी ने देखा? हाँ साहब, कुछ लोगों को बुखार भी चढ़ा है। गंगू तुम लोगों को कोई डरा रहा? नहीं साहब, ये बिल्कुल सच है। हाँ सच है बिल्कुल। अच्छा गंगू, इस घर की कोई ना कोई तो कहानी होगी ना, बता दे। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। अच्छा ये ले, अब बता दे। फिर भी डर लगता है। ये ले, अब तो बता दे। साहब अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ा डर? बोले अब बता दे। साहब मुझे इस गांव में आए 21 साल हो गए हैं और आते दानी माँ के यहां मुझे नौकरी मिल गई। झूठ बोलना कब से सीख लिया? कौन है वो? प्रकाश, शाम का दोस्त। एक अजनबी के साथ इतनी जल्दी मेल बढ़ा लिया? खोखो हमेशा मेरे साथ रहा है माँ, और फिर वो बुरा नहीं अच्छा आदमी है। अच्छा, दो तीन दिन में तुम जान भी गए कि वो अच्छा आदमी है? अब तुम बच्ची नहीं रही रूपा, मालूम नहीं मुझ पर कितना बोझ है तुम्हारा। कहीं कुछ हो गया तो? तुम्हारी बेटी वैसी नहीं है माँ। रो मत रूपा, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ बेटी। अगर वो अच्छा लड़का है तो उसे घर क्यों नहीं बुलाती? आज शाम को बुला लूँ माँ। अच्छा बुलाओ। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। गंगू और कुछ याद आ जाए तो बता देना। जरूर साहब जरूर। जय राम जी की। काका तुम यहाँ? तू उसे क्या बता रहा था? कुछ नहीं, बस इधर उधर की घर गांव अड़ोस पड़ोस। उस घर की कहानी बता दी, अब पड़ोस पड़ोस कह रहा है? क्या काका, उस घर की कहानी बता दी तो वो चुड़ैल मुझे छोड़ देगी क्या? झूठ बोला तो भी नहीं छोड़ती हरामखोर। एक घर उजाड़ दिया और कितने घर उजाड़ने हैं कमीने बदमाश। चुड़ैल, हे भगवान, मुझे माफ करना। अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम। गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसे भूत महल कहते हैं, ये चुड़ैल मां रहती है। मैं अंदर आ सकता हूं? अरे आप आइए आइए। शुक्रिया, मुझे मिश्रा कहते हैं, भवानी स्टेट का मालिक हूं मैं। आते जाते तो देखा था पर परिचय नहीं हुआ, बैठिए। अरे शुक्रिया, निर्मला देवी ने आपके बारे में सब कुछ बताया। अच्छा अच्छा,
तो आप निर्मला देवी के दोस्त हूं? जी हाँ, हमारे बाग भी मिले हुए हैं, पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे का सुख दुख भी देख लेते हैं। जी हाँ जी हाँ, सो तो है ही। देखिए ना, बेचारी अकेले, वो भी विधवा, और आप जैसे लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, बगैर शाम के क्या ये पैसे निर्मला देवी को नहीं मिल सकते? जी नहीं। ओ, कुछ दिन पहले की खबर आपने सुनी होगी कि शाम का खून हो गया था। हाँ जी हाँ, ऐसा सुना तो था। अगर वो सच निकल जाए तो? तब तो निर्मला जी ले सकती है, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा कि शाम का खून हुआ है। जरूर जरूर, लेकिन हम आशा करें ऐसा ना हो। जी हाँ जी हाँ। मैं जान सकता हूँ वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? माफ कीजिएगा, वो रास की बात है। हम शाम को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। अब मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अतु, दीदी ने आपको 4 बजे घर आने के लिए कहा है। रूपा ने? अच्छा बोला, मैं आता हूँ। माँ, ये प्रकाश है और ये मेरी माँ। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। थैंक यू। रूपा, वो लेके आना जरा। रहने वाले कहाँ के हो बेटा तुम? जी पहले हम इधर रामपुर में थे, अब डैडी का ट्रांसफर लखनऊ में हो गया है। तुम्हारे डैडी? जी, तहसीलदार सोमशेखर जी। अरे तुम उनके बेटे हो? आप उन्हें जानती हैं? जब तुम्हारे पिता रामपुर में थे, रूपा के पिता से दोस्ती थी, एक बार हमारे घर भी आए थे। यही तो है रूपा के बाबू जी, 1.5 साल हो गए उनको गुजरे हुए। अरे ये सब क्या बना दिया? अरे पहले मालूम होता तुम किसके बेटे हो तो और बहुत कुछ बनाती। लो खाओ। आप लीजिए, चलिए। लो। बेटा तुम रहते कहाँ हो? यही गेस्ट हाउस में। तो आज से यही रहना। नहीं माँ जी, असल में निर्मला जी का गेस्ट हूँ, शाम घर में नहीं है इसीलिए गेस्ट हाउस में रहता हूँ। शाम को कैसे जानते हो बेटा? मैंने और उसने मिलकर एक बिजनेस किया था, उसे सिलसिले में उसे मिलने आया था, लेकिन वो गायब है। कुछ दिन पहले उसके खून की खबर फैली थी, सुना है तुमने? माँ, मैं चूल्हे पर दूध रखाई थी, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तेरा। शाम की मौत की खबर तो सुनी है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। उसकी माँ कहती है हमेशा बिना बताया जाया करता था, वैसे ही इस बार भी गया होगा। रूपा चाय लाना जरा। चाय लो। थैंक यू। माँ जी आपके कितने बच्चे हैं? बस यही रूपा। और कितने दिन ठहरने का इरादा है तुम्हारा? बस 4-5 दिन। इधर ही ठहर सकते थे। नहीं माँ जी, मुझे दूसरा काम है। अच्छा बेटा, जब तक यहाँ हो आते रहना। जरूर माँ जी। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। बाय बाय।
बुखार भी होगा? नहीं, सर दर्द बहुत है बोले। मुझे बताने को कहा? चल मेरे साथ। अरे रूपा, आओ बैठो बैठो। मुझे बताया क्यों नहीं कि बुखार है? क्यों, खोखो से बोलकर भेजा था, क्यों रे बताया नहीं? नहीं। तेरी, आप कहाँ जा रहे हो? वैसे जरा घूमने जा रहा हूँ। किस डॉक्टर ने कहा है कि बुखार में घूमने जाओ? अरे वो अपना डॉक्टर है ना, वो कह रहा था तेरा बुखार कुछ अजीब सा है, घूमने से ही ठीक होगा। कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रूपा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बाहर जाने से बुखार बढ़ जाएगा, चाहो तो कल चले जाना। चाहो तो कल सारा दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ, अब तो जाने दो। नहीं, कभी नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। प्रकाश, तुम गए तो मेरी कसम। ओ रूपा, बच्चों की तरह जिद मत करो, बड़ी बनो। चल रही खोखो। अंदर आ सकता हूं? बात नहीं करनी। कम से कम एक कप चाय तो पी। अरे खोखो, एक ग्लास ठंडा पानी तो ला दे, दवा खानी है। नहीं खोखो, देखा बुखार कितना बढ़ गया? हाथ ऐसे ही रहने दो, सब बुखार उतर जाएगा। फिर तो नहीं, अच्छे हो जाओगे तो चले जाओगे। आज तो तुम्हारे हवाले हूं, लेकिन एक दिन में ठीक कर दोगे तो इनाम दूंगा। क्या दोगे? फिर बताऊंगा। मैं अभी जाके तुम्हारे लिए कमरा ठीक करती हूँ। एक बात कहूं? क्या? ऐसा लगता है जैसा हमारी स्वागत है। चुप, कैसी बातें करते हो? माँ बाहर बैठी है। बाप रे, बैठो ना। रूपा, तुम शाम को जानती हो? अच्छा जाने दो। अच्छा रूपा, बचपन से आज तक ऐसी कोई घटना हुई है जो तुम भूल नहीं पाती? क्या हुआ? सोचा था आज की रात आने वाले दिनों के ख्वाब देखूंगी, मगर तुमने पुरानी यादें दिलाकर सारे ख्वाब तोड़ दिए। रूपा, नहीं, पूछती तो वो ना मानती, और वो मान जाती तो भी मैं ना मानती। Thank you.
रात हो गई है बिटिया, जाओ जाकर सो जाओ। अरे वाह, इसे कहते हैं जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बहुत दिन हो गए इसे मुंह लगाए। इंस्पेक्टर प्रकाश, तो 10 लाख रुपए का सब बहाना था ये मुसीबत सब उस शराबी लकी की वजह से। जी मैं तो आता है कि उन दोनों का खून कर दूं। मुझे तो डर लग रहा है इस सारे चक्कर में कहीं हमारी बात बाहर ना हो जाए। डरो मत, जब तक वो साला गांव में मैं यहां नहीं आऊंगा। एक दिन में ठीक तो कर दिया, इनाम नहीं मांगोगे? जो भी दोगे खुशी से ले लूंगी। पक्का? पक्का। ऐसा क्या बैठी हो? हाँ कुछ नहीं, चलो चले। सीआईडी है, सीआईडी लड़की को उठा के ले जाने आए। तुम जानती हो उन्हें? बहुत देर हो गई प्रकाश, अब मैं चलती हूँ।
सुनो। आया साहब। कल रात कहाँ गया था? कहीं नहीं साहब, इधर ही सोया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ। मिश्रा जी, क्या बात है? बहुत दिन से नजर नहीं आए। कुछ काम था। आप भी बंदूक रखते हैं? लाइसेंस भी रखता हूं। शाम का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला है, जरूरी काम है, फिर कभी मिलेंगे। अरे कब आया तू? अभी खोकू, उस ड्रायर से मेरी सिगरेट ले आना। जा। उसे डायन जैसी आवाज आती है ना? हाँ, सुनी है कभी? हाँ सुनिए। कब सुनी थी? नहीं बता सकता। क्यों? कसम खाई है मैंने। किसने दी कसम? रूपा दीदी ने। ये लखोगो, लड्डू खा लेना। ले इधर आ। क्या कसम खाई थी? वही जो डायन की आवाज सुनी उस दिन, वो किसी को नहीं बताऊंगा। छोटे मालिक शाम के खून की खबर फैली थी ना उस दिन? जो गोली की आवाज सुनी वो मत बताना, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो बता देना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी कसम? तेरी कसम। उस दिन मैं और दीदी छोटी माँ के घर से करीब के रास्ते से जंगल में आ रहे थे। बोल रहा था रास्ता छोटा है और अब जंगल में भटका रहा है। हाँ दीदी, छोटा ही तो है। तेरा सर, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ? चुप क्यों है? बोला छी जा। कर रहा था? बोल के तो गया था दीदी। दीदी, बंदूक की आवाज सुनी? नहीं तो, वो तो कोई और आवाज होगी।
नहीं दीदी, वो तो बंदूक की आवाज ही थी। ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप चल। क्यों दीदी, वो आवाज बंदूक की नहीं थी? तेरी जबान बंद रहेगी या नहीं? कुकु, तू शाम को घर आना, मैं तुझे बहुत सारी मिठाई दूंगी। हाँ। तू फिर भगवान की कसम खा, जो बंदूक की आवाज तूने सुनी वो किसी को नहीं बताएगा। तो तुमने भी सुनी? हाँ, कसम खाएगा। भगवान की कसम, जो बंदूक की आवाज सुनी वो किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बताऊंगा। मैंने तुमसे एक झूठ कहा था। क्या? मैं शाम का दोस्त नहीं हूँ, सीआईडी इंस्पेक्टर प्रकाश। यहाँ आने की वजह? शाम के खून का पता लगाना। तू आज तक जो प्यार किया वो सब झूठ था? नहीं रूपा, मेरा प्यार सच है, बाकी सब झूठ। मुझसे क्या चाहिए? मैं सही जानना चाहता हूँ असली खूनी कौन है। वो कैसे? निर्मला, मिश्रा, गोपाल काका और गौरी का भाई, इनमें से असली खूनी कौन है वो तुम जानती हो। ये सब किसने कहा? उसने कहा, जिसने तुमसे कसम खाई थी कि बंदूक की आवाज के बारे में किसी को नहीं बताया। खोको, हो सकता वो खूनी तुम्हारा कोई अपना हो, मगर कानून के आगे सब एक हैं रूपा। अगर वो खून कोई और है जिसका तुम्हें डर है, मैं जो हूं तुम्हारी हिफाजत के लिए। खून मैंने किया है प्रकाश। किसी को बचाने की कोशिश मत करो रूपा। मैं किसी को नहीं बचा रही प्रकाश, खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन हार गई। मुझे यकीन नहीं आता। खोखो का यकीन किया है तो मेरा भी करना पड़ेगा। ये सच है कि मैं और खोखो उस दिन जंगल के रास्ते से आ रहे थे। खोखो ने तालाब की तरफ जाने का इरादा किया। क्यों रूपा, मुझे देख के डर गई? क्या मैं इतना भयानक नजर आ रहा हूं? मैंने शादी का संदेश भेजा था, फिर भी तुमने इनकार कर दिया, कारण क्या था? सूरत अच्छी नहीं, पैसा नहीं, या ना? मेरी माँ ने मना कर दिया था। तूने भी मना किया था, लेकिन मैं जानता हूं तुम दोनों से कैसे हाँ करवाना है। नहीं शाम, नहीं, मेरे पास मत आना शाम। नहीं नहीं शाम, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ शाम, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। मुझे गोली मारोगी? इतनी हिम्मत? देखता हूं। की आवाज सुन ली थी। अगर वो किसी को बता देता कि उस वक्त हम वहां थे
मालूम हो जाता कि खून मैंने ही किया है, इसीलिए उसे लालच देकर मैंने कसम ले ली। तो फिर उस लाश की जगह मरा हुआ भालू किसने फेंका? वो बंदूक कहाँ गई? उस लाश को भूत महल में किसने दफनाया? वो सब मैं नहीं जानती प्रकाश, वो सब सुनकर मैं खुद हैरान हो गई। लेकिन निर्मला को देखकर तुम डर क्यों गई? जिसके बेटे का खून कर दिया हो उससे डरूंगी नहीं प्रकाश, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मुझे भूल जाओ प्रकाश, भूल जाओ। मैं चलता हूं, रूपा का मन बैठ गया है, ध्यान रखिएगा। किसने बताया? रूपा ने ही बताया। कहाँ है वो? कमरे में भूत बनी बैठी है। उसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूं। यस या फाइन, मैं इंतजार करूंगा। हाँ और देखो देरी नहीं करना, ओके? रूपा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तू मुझे छोड़कर जा रही थी? फिर कभी ऐसा नहीं होगा माँ, मुझे माफ कर दो। अपनी जान लेने से तुम्हें क्या मिलेगा बेटी? माँ जी, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। अच्छा। रूपा बेटी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ। खून तुमने नहीं किया। नहीं काका, खून मैंने ही किया है, मैंने हाथों से किया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ बेटी, खून तुमने नहीं किया। फिर किसने किया? कल मेरे साथ चलना, मैं सब कुछ बता दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ। जिस घड़ी घर से निकले थे वो ठीक नहीं थी, चलो फिर कभी आएंगे। क्यों काका? बाद में बताता हूं। क्यों रुक गए काका? इसलिए कि राज खुल जाएगा। अब राज छुपाने से कोई फायदा नहीं है काका, थोड़ी देर में पुलिस यहां आ जाएगी। रूपा को जहां भी ले जा रहे थे ले चलो, मुझे भी देखना है। खामोश क्यों हो काका? इसलिए कि मुजरिम रूपा को बचाने में तुम नाकाम हो। रूपा खूनी नहीं है। फिर कौन है खूनी? Thank you.
Drop the pistol. Turn. Mr. Mohan. Good. कैसे पता चला? तभी शक हुआ था जब निर्मला के पुराने घर की कहानी सुनी थी। बहुत खूब, पुलिस को खूब धोखा दिया। उन्होंने भी धोखा खाया। लगता है इसे कहीं देखा है। क्या? मुझे रूपा को बताना पड़ेगा कि वो मुझे भूल जाए। हाँ। क्यों? तेरे झूठे प्यार को उसने सच समझ लिया है। झूठा प्यार? ये किसने कहा? मैंने। खूनी का पता लगाने के लिए तुमने प्यार का नाटक किया। मेरा सब कुछ नाटक हो सकता है मिस्टर मोहन, लेकिन मेरा प्यार नहीं। आप कानून को हाथ में लेकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बेहतर ही होगा मिस्टर मोहन, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दें। काका, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बेटी, तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूं। अच्छी तरह सोच लो, मुफ्त में अपनी जान मत दो। जवाब क्यों नहीं देते? इंस्पेक्टर, क्विक! आखिरी बार कहता हूं कि तुम रूपा को भूल जाओ, और उसे भी कह दो कि वो तुम्हें भूल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो तुम्हें अपनी जान खोनी पड़ेगी। मुझे मार दोगे तो रूपा तुम्हें कसाई समझेगी। रूपा को उम्र कैद हो जाए तो तुम क्या करोगे? उम्र भर इंतजार करूंगा। अब तो मेरी बात मान जाइए मिस्टर मोहन। तुम क्या समझते हो कि मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी और जीना है। मालिक, मालिक, पुलिस इस तरफ आ रही है, जल्दी से भाग जाइए। चलो उधर, चलो। चलो। रुको, ज्यादा होशियारी दिखाना मत, क्योंकि मेरा निशाना कभी चुकता नहीं है। खड़े रहो यहीं पर। Don't move! इसे सब कुछ बता सकते हैं? नहीं काका, बताने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है और मेरा बचना बहुत मुश्किल है। मैं इसे फिर कभी मिलूंगा काका।
डोंट मूव। क्या हुआ? कुछ नहीं जाओ, हर कोई मुझसे छुपाता है। नाराज ना हो बेटी, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी, मेरी हालत के बारे में सोचा है कभी? सब के सब नाटक कर रहे हैं। उस नाटक का अंत भी होने वाला है बेटी, पर वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। पहेलियां मत बुझाओ काका, साफ साफ बताओ। अब और पहेलियां नहीं बेटी, सब कुछ बता दूंगा। वो आदमी कौन था? वो तेरे बाबूजी हैं। फिर नाटक? मेरी कसम ये सच है बेटी। ये कैसे हो सकता है, क्या मैं अपने बाबूजी को नहीं जानती? मरते वक्त भी उनके पास ही थी। वो तेरे धर्म के पिता थे बेटी। और माँ? वो भी तेरी धर्म की माँ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सुन लोगी जब तुम सब कुछ, तो विश्वास भी हो जाएगा। तू सिर्फ 5 महीने की थी जब इस गांव में आई। तेरी माँ हूबहू तेरे जैसी ही दिखती थी। तेरे बाबूजी उसे कहां से ब्याह के लाए थे कोई नहीं जानता। मुझे घर में नौकर रख लिया गया। मालिक बहुत अच्छे तैराक थे, शिकारी भी थे, कई शेरों को मारा था। पास वाले गांव में एक शेर कई लोगों को मार चुका था। मालिक उसका शिकार करने निकल गए। मैं बाजार गया हुआ था उस वक्त। बीबी जी, बीबी जी, गजब हो गया। क्या? उस जालिम शेर ने मोहन बाबू को घायल कर दिया। कहां? पास ही घर में, जल्दी चलिए। मेरी जान, तो मैं यहां तक लाने के लिए नाटक करना पड़ा। भागते गांव मेरी जान। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे तरस खाओ, मुझे बर्बाद मत करो। तो मैं तो आबाद करना चाहते हैं मेरी जान, अगर तुम मान जाओ तो दिल की रानी बना के रखेंगे। माँ ने अंगूठी का हीरा खा लिया था। मरते वक्त मुझसे वादा लिया कि मालिक अगर दूसरी शादी करे तो तुम्हारी देखभाल मैं करूं। दूसरे दिन मालिक शिकार से लौटे तो
ये सब कैसे हुआ काका? तो लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। मम्मी कहाँ है? राधा देवी के पास। क्यों? उन्होंने कहा नन्ही सी जान है, तड़पने कहाँ छोड़ोगे, कुछ दिन यहीं रहने दो। उनका कोई बच्चा है? नहीं, उनकी कोई औलाद नहीं। फिर मुन्नी को वहीं रहने दो। काका, आज शाम को मुझे जाना है। कहाँ मालिक? शेर मारने के लिए। कल घायल होकर बच गया था, सुना है बाद में एक और को मारा है। आज ही क्यों, फिर कभी? जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है काका, जाने और कितने लोगों को मार देगा। मगर मालिक। नहीं काका, आज तो मुझे जाना ही होगा। मुझसे आज तक कोई शेर नहीं बचा, या तो मैं नहीं या तो वो शेर नहीं। अगर तुम ये समझते हो तुम्हारी बीवी को हमने तबाह किया है तो ये गलत है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, समझे? सुनाई नहीं देता क्या? बंदूक दिखा के डराओ मत, पुलिस हमारे साथ है। अगले दिन पुलिस वाले अपने कुत्तों की मदद से ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचे। वहां मालिक के फटे कपड़े और बंदूक पड़ी थी, पास ही में कुछ हड्डियां मिली। ये समझ के कि शेर ने मालिक को खा लिया, केस बंद हो गया। लेकिन अचानक 5 बरस के बाद मालिक वापस आए। बताया उस दिन शेर ने किसी आदमी को मार खाया था,
वहीं हड्डियों के पास अपने कपड़े फेंक कर भाग गए थे। जंगल में चोरी छिपे तुम्हें उनसे मिलाया, फिर तुम जवान हो गई। एक दिन मालिक मुझसे बोले, मुझे शाम अच्छा आदमी नहीं लगता काका, कहीं मेरी बेटी का भी वही हाल ना हो जो मेरी बीवी का हुआ था। मैं इसी गांव में रहकर अपनी बेटी की रक्षा करूंगा काका। वो उस भूत महल में रहने लगे। मैंने आग वाली चुड़ैल की बात फैला दी, वहां उन्हें खाना देता था। उस दिन जब शाम ने तेरी बंदूक को ढकेल दिया, मालिक ने पीछे से गोली चला दी थी। वो शाम की लाश को हटाने ही वाले थे कि किसी के आने की आवाज सुनी। देखा तो लक्की था जो लाश को देखते ही चिल्ला के भाग गया। मालिक को उठा के ले चले, रास्ते में एक भालू मिला, उसे मार कर लाश की जगह रख दिया। फिर गांव में आया ये प्रकाश। हमें देर से पता चला कि वो CID इंस्पेक्टर है। तुम उसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी, पर मालिक ने प्रकाश की मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहा, वो भी अभी ले लिया। मगर प्रकाश अब मालिक के पीछे पड़ा है, भगवान उनकी रक्षा करे। काका, क्या मैं अपने बाबूजी को जिंदा देख सकूंगी? जरूर बेटी। नहीं काका, नहीं, इतनी गोलियों की आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। साथ लेके लाश को तलाश करो। कई दिनों तक तलाश की गई लेकिन लाश मिली ही नहीं। मुकदमा चला पर गवाह ना था कोई। केस बंद हो गया और